भगवा भी कांग्रेस का रुख कर रहा है। क्यों कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हुई साध्वी भाजपा छोड़ कांग्रेस का झंडा क्यों उठाया? भाजपा का साथ छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई साध्वी अनादि सरस्वती सीएम अशोक गहलोत ने ग्रहण करवाई पार्टी की सदस्यता। राजस्थान में हिंदुत्व का चेहरा माने जाने वाली साध्वी अनादि सरस्वती ने कमल का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस अपना अपना कुंबा बढ़ाने में लगी हुई है। साध्वी अनादि सरस्वती ने कल ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना त्यागपत्र सौंपा था। पार्टी का प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए साध्वी ने अपने त्यागपत्र में लिखा था कि वो अपरिहार्य कारणों के चलते इस्तीफा दे रही है। ऐसी अटकलें हैं कि अजमेर की साध्वी अनादि सरस्वती जिले की उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन टिकट कटने से नाराज साध्वी ने अब भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का पंजा थाम लिया। ना पंडितों की सैलरी तक नहीं मिल पाती थी जब भाजपा का राज था, तो आपने देखा पंडितों की सैलरी भी नहीं मिलती थी। अब तो उसको सिस्टमेटिकली सैलरी दे रहे हैं। जो बेचारा पंडित अपना भगवान भरोसे ही बैठा रहता था, तो सच्चे अर्थों में धर्म की सेवा कौन कर रहा है? उसके साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य हम पहले भी कर रहे थे जब हम कांग्रेस में नहीं थे। आज हम अगर कांग्रेस में आते हैं तो भी हमारा यही कार्य रहेगा। मंच बदल सकता है, कार्य नहीं बदल सकता, क्योंकि सन्यासी का एक ही संकल्प होता है कार्य करना, मानव के लिए कार्य करना, धर्म के लिए कार्य करना, सब समाजों के लिए कार्य करना, मानव मात्र की सेवा करना। राजनीति में अब एंट्री हो गई, क्या आप चुनाव भी लड़ेंगी टिकट का ऐसा? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं विचारधारा से बहुत प्रभावित थी गहलोत साहब की, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। इच्छा मैडम, क्या चुनाव लड़ना चाहती हैं? मुझे लगता है कि ये मेरा भगवान तय करे, मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है भगवान अपने आप तय करेंगे, और होता है तो मैं जरूर आपको शुभकामना संदेश भिजवाऊंगी और आपको निमंत्रित करूंगी, आप भी पधारिए। आपने भाजपा से टिकट मांगा था लेकिन आपको मिला नहीं, इसलिए आप नाराज क्यों? देखिए एक्चुअली क्या था कि भाजपा से जो मांगा था, तो मांगने के पीछे स्पष्ट विचार था कि मोदी गवर्नमेंट ने मातृशक्ति वंदन अधिनियम के तहत मातृशक्ति को आगे लाने के लिए बात बोली थी। दूसरा 75+ सीनियर सिटीजन्स के लिए स्ट्रिक्टली मना किया था कि उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि अजमेर 20 साल से जहाँ विकास होना चाहिए था, जब कांग्रेस की बीजेपी की सरकार थी तब भी नहीं हुआ, अब कांग्रेस की सरकार ने तो सारा ठीक रहा, इनके माथे फोड़ रहे हैं। तो ये जो तरह तरह की बातें बना के काम नहीं करने की अकर्मण्यता है ना, इस अकर्मण्यता से हमारा को बहुत गुस्सा था। हमको अंदर से मोह भंग इसलिए नहीं हुआ कि बीजेपी कांग्रेस, हमारा मोह भंग हुआ कि कोई कार्य कर रहा है तो उसको आने नहीं देते, और कोई कार्य नहीं कर रहे तो उसी को कर रहे, तो ऐसी क्या विवशता है, ऐसी क्या मजबूरी है? जो सज्जन लोगों को, अच्छे लोगों को ला नहीं रहे, और जिन बातों पे राजनीति की जा रही है उन बातों को भी नहीं ध्यान में दिया जा रहा। हमने तो नहीं कहा मातृशक्ति वंदन के लिए, उन्होंने ही कहा था कि हम मातृशक्ति वंदन का हमने पास करा दिया, ऐसा करा, तो कोई बात नहीं, जैसा भी है, देखिए जैसा भी है अच्छा है, कोई बात नहीं, हम कार्य कर रहे हैं, हम पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर है, हमारी जिंदगी टिकट के ऊपर नहीं है, हमारा सनातन धर्म का जो हमने चोला पहना है हम उसी के लिए कार्य कर रहे हैं, उसी के लिए कार्य करते रहेंगे। अच्छा, कांग्रेस से कोई वादा हुआ टिकट को लेकर? मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, और मैं इस विषय पे बात करना भी बहुत छोटापन समझती हूँ, मैं बहुत छोटापन समझती हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, हम इन चीज़ों के पीछे नहीं है, हम इन चीज़ों के ऊपर अपनी सोच को और विचारधारा को लेके चलते हैं। मैम आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति ये है कि जो धर्म कर्म के लिए गहलोत साहब कर रहे हैं उनकी उनसे और भी ज्यादा, जितना गहलोत गवर्नमेंट ने 3,000 करोड़ से ऊपर जो फंड्स रिलीज किया है गौ माता के लिए, नंदी शालाओं के लिए, उनके बीमा के लिए, तो उस कार्य को ही आगे बढ़ा के जितने समाजों को हम जोड़ के समता और समरसता का भाव सबके बीच में बना सकते हैं, हिंसा को हम कभी प्रमोट नहीं कर सकते। हिंसा और अपराध किसी भी समाज में, सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं होता। हम उसी के बात करना चाहते हैं कि हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, समाज में कार्य करना चाहते हैं, और जो हमने संकल्प लिया है जिस संन्यास धर्म को हम लेके चल रहे हैं, हम उसी के लिए कार्य करेंगे।